अरे दिग्विजय सिंह चौन, हेलो सर, चौन सर देखिए, लेकिन कह दो नहीं कबूतर बना दूंगा तारा, दो मिनट में आ जाइए नीचे। आज सुबह 7 बजे से 1 बजे तक बिजली की कटौती थी, जो जिस क्षेत्र के अंदर एमडीएस यूनिवर्सिटी भी आती है, तो सारे डिपार्टमेंटों के अंदर यूनिवर्सिटी में लाइट नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर दो ऐसे भवन है, बृहस्पति भवन और चाणक्य भवन, जहां कर्मचारी बैठते हैं उनके लिए जनरेटर 24 घंटे चालू रहता है, जबकि जहां बाकी स्टूडेंटों के काम के लिए जैसे लाइब्रेरी है, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के अंदर दूर दराज से कॉलेजों के स्टूडेंट अपनी मार्कशीट माइग्रेशन के लिए आते हैं, वहां लाइट नहीं थी तो सारे बच्चे वहां परेशान हो रहे थे। और कुछ समय बाद में यूनिवर्सिटी के एग्जाम है तो बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो वहां भी वहां के जनरेटर नहीं है, यहां जनरेटर खरीद गए, सिर्फ प्रदर्शनी मात्र इनको लगा दिया गया है जिसमें डीजल ये चलवाते नहीं है। और जब इसके लिए आज हम संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए जब चौहान साहब के पास गए तो चौहान साहब अपनी सीट पे मौजूद नहीं थे, और जब भी चौहान साहब के पास हम कोई समस्या लेके जाते हैं तो चौहान साहब के पास एक रटर रटाया उनका बयान आता है कि मेरे को उल्टी और दस्त। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह चौहान का उल्टी दस्त का इलाज कराया जाए, जिससे वो प्रॉपर यहां बैठ के यूनिवर्सिटी के हित के अंदर काम कर सके। और एमडीएस यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों के यूनिवर्सिटी है जिसमें कर्मचारी तो मौज उड़ा रहे हैं, एसी में बैठे हैं सब, और स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं। तो बुधवार तक का यूनिवर्सिटी प्रशासन को हमने अल्टीमेटम दिया है कि बुधवार तक यदि प्रॉपर सारे जनरेटर चालू नहीं हुए तो बुधवार के बाद में यूनिवर्सिटी सारे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सर दुआ करता हूँ आपके लिए, सभी बच्चे भी दुआ कर रहे हैं कि आप जल्द स्वस्थ हो जाए और यहाँ कुर्सी पे आओ, जब भी आप आओ तो ये जनरेटर चला दे। मैं चौहान साहब जब पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे, अब चौहान साहब ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये कह रहे हैं 2 बजे तक लाइट नहीं थी, बृहस्पति भवन और चाणक्य भवन में तो जनरेटर चल रहे हैं, बाकी में अब इनकी ये मांगेगा सर पीसी साहब से बात करके वहाँ इन्फॉर्म करो और हमें आश्वासन दिलाओ। आश्वासन सर चल भी होना चाहिए सर, पीसी साहब से बात करो और इसका एक बार ट्राई कर लो। हाँ हाँ, आज क्या हुआ, रजिस्ट्रार साहब भी नहीं है यहाँ, चौहान साहब भी नहीं है, पीसी साहब भी नहीं है, और मैं बैठा हूँ बच्चों के बीच।